आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। श्री गुरु शक्ति धाम के सानिध्य में आज हम सब दसवा चैतन्य महोत्सव मनाने जा रहे हैं। चैतन्य का अवतरण जब कभी इस धरती पे होता है तो वो एक शरीर के माध्यम के रूप में होता है। लेकिन वो माध्यम अपने साथ उन लाखों आत्माओं को लेकर आता है जो लाखों आत्माएं पूर्व जन्म से उसके साथ बंधी हुई होती है। इसलिए माध्यम का जन्म भी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है। क्योंकि उसके जन्म के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। तो ऐसी घटना को एक उत्सव के रूप में मनाना ऐसी घटना को एक उत्सव का स्वरूप प्रदान करना उस अवतरित होने वाली शक्तियों को ग्रहण करने के लिए अपनी गुणग्राहकता बढ़ाना है, अपनी रिसीविंग बढ़ाना है। उत्सव के माध्यम से हम अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से तैयार करते हैं और इसी तैयारी को हम चैतन्य महोत्सव कहते हैं।
इतनी बड़ी सामूहिकता की ऊर्जा शक्ति को अपने गर्भ में धारण करना, वृद्धिगत करना, संगोपन करना और जन्म देना, यह कार्य एक स्त्री का नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक सामूहिक स्थिति की, एक सामूहिक इच्छा शक्ति की, एक गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। बिना गुरु कृपा के कोई भी एक स्त्री एक लाखों के सामूहिकता के माध्यम को जन्म दे, ये संभव ही नहीं है। ऐसे स्त्री को तैयार करने में ऐसे स्त्री का निर्माण करने में गुरु शक्तियों का भी एक बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान है। इसलिए उस स्त्री को और उस स्त्री को तैयार करने वाली गुरु शक्तियों को याद किए बिना, स्मरण किए बिना आज का चैतन्य महोत्सव अधूरा है। ये सब बातें आपके लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना आसान दिख रहा है ये इतना आसान हम समझ रहे हैं, ये इतना आसान हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा आसान कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से स्वर्ग से गंगा का अवतरण करने के लिए भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता थी, ऐसी ही साधना, ऐसी ही समस्या, ऐसी तपस्या और ऐसी ही गुरु कृपा होने के बाद ही ये घटना घटित हो सके। प्रत्येक माध्यम अपनी शरीर की सीमाओं में रहते हुए अपने शरीर धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे विकसित होता है। बड़ा होता है, वृद्धिगत होता है और एक निश्चित समय आने पे
वो प्रकाशित होते हैं। तो इस जन्म लेने से लेके उस प्रकाशित होने के बीच एक सामान्य बालक में और माध्यम में एक ही अंतर होता है, माध्यम की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो बचपन से ही एक संकल्प लेके पैदा हुआ रहता है और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही रहता है। इसलिए ऐसे प्रकाशित माध्यम को अपने जीवन काल में पहचान पाना, अपने जीवन काल में जान पाना, अपने जीवन काल में मानना, ये सर्वोच्च स्थिति है। और उसके सानिध्य में रहना, ये भाग्य लाखों आत्माओं में से कुछ आत्माओं को ही प्राप्त हो पाता है। कई बार मुझे महसूस होता है जो तीव्र इच्छा लेके तीव्र इच्छा शक्ति लेके मैं मेरे गुरुओं तक पहुंचता था, ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति सभी साधकों में क्यों नहीं है? जब तक वो इच्छा शक्ति नहीं होती, तब तक आगे का रास्ता, आगे का मार्ग खुला नहीं हो सकता। चाहता हूं ये चैतन्य महोत्सव सभी साधकों में, जिन्होंने ये चैतन्य महोत्सव में भाग लिया, जो इस चैतन्य महोत्सव में भाग नहीं ले सके, सभी के अंदर एक नई इच्छा शक्ति जागृत करें, एक नई उमंग जागृत करें, जिससे उनको ये एहसास हो हम किसके सानिध्य में जी रहे हैं, हम किसके जीवन काल में जी रहे हैं, और जीवन काल का असर, सानिध्य का असर अगर साधक के जीवन में बदलाव न कर सके, रूपांतरण न कर सके, तो दोष गुरु का नहीं है। वो ग्रहण करे या न ग्रहण करे, दोनों ही स्थिति पे
गुरु का कोई दोष नहीं है। आज सुबह मैं रोज की तरह सूर्य का उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और सूर्य का उदय होने के बाद सूर्य दर्शन करके मैंने प्रार्थना की, हे सूर्य देवता, आपकी कृपा में आपकी करुणा में मुझे यह नया साल देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस नए साल का अधिक से अधिक उपयोग साधकों की अच्छी आध्यात्मिक स्थिति बनाने के लिए हो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। क्योंकि साधकों की आध्यात्मिक स्थिति सर्वोपरि है, वही होना चाहिए। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। सूर्य देवता ने मैसेज दिया, उगना मेरा स्वभाव है, रोज एक निश्चित समय पे, रोज एक निश्चित टाइम पे मैं उगता हूं निश्चित समय तक। प्रकाशित रहता हूं, प्रकाश देते रहता हूं और निश्चित समय के बाद अस्त को चला जाता हूं। मेरा जीवन एक दिन का है, कुछ घंटे का है, कुछ क्षणों का है। मैं मेरा कार्य बड़ी ईमानदारी से, बड़े समय से, अच्छे भाव के साथ करता हूं। सबको एक जैसा अवसर प्रदान करता हूं। किसी जाति का, किसी भाषा का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी लिंग का, किसी घर का, किसी पेड़ का, किसी प्राणी का, किसी जीव का कोई भेदभाव नहीं करता। सबको समान रूप से प्रकाश दे रहता। लेकिन किस व्यक्ति ने इतना प्रकाश ग्रहण करना, किस पेड़ ने कितनी धूप ग्रहण करना, किस व्यक्ति ने मेरी कितनी ऊर्जा ग्रहण करना, किस ऊर्जा को कितना संग्रह करना, वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, उस प्राणी के ऊपर निर्भर है, उस पौधे के ऊपर निर्भर है। ये मेरा क्षेत्र नहीं है और मैं मेरे क्षेत्र के बाहर जाके कभी विचार नहीं करता, कभी सोचता नहीं। तेरा क्षेत्र सीमित है, उसी क्षेत्र में रह के मैं मेरा कार्य करते रहता हूं, ईमानदारी के साथ करते रहता हूं, समयबद्ध तरीके से करते रहता हूं, समान रूप से करते रहता हूं। ठीक इसी प्रकार से तू तेरा कार्य कर, कौन ग्रहण कर रहा है, कोई नहीं ग्रहण कर रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, वो तेरा कार्य नहीं है। तेरा कार्य है
चेतना शक्ति को, चैतन्य को अपने जीवन काल में समान रूप से एक सा प्रत्येक प्राणी मात्र को, प्रत्येक वनस्पतियों को समान रूप से बांट, वो ले रहा है या नहीं ले रहा है ये तेरा कार्य नहीं है। मैं भी प्रत्येक दरवाजे पे जाता हूं, प्रत्येक दरवाजे पे दस्तक देता हूं, प्रत्येक घर में मैं आने के लिए लालायित रहता हूं। मेरी इच्छा रहती है कि मेरा भी प्रकाश प्रत्येक घर के अंदर आए, लेकिन जो घर खुले होते हैं, जो खिड़कियां खुली होती है, उन्हीं के अंदर मेरी किरणें पहुंच पाती है। जो खुली नहीं होती उसमें किरणें नहीं पहुंच पाती, तो मेरी भी एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को लांग करके मैं भी किसी के घर में प्रवेश नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से तेरी भी शरीर की सीमाएं हैं, उस सीमाओं को लांग करके तू भी किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सूर्य देवता को प्रार्थना की, मैं इच्छा तो कर सकता हूं कि प्रकाश प्रत्येक घर घर में पहुंचे, चैतन्य का प्रकाश प्रत्येक साधक तक पहुंचे, प्रत्येक साधक का घर प्रकाशित हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो।